नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास शख्सियत मौजूद है, बेहद खास। वो इसलिए कि आप इन्हें न्यूज़ रीडर कहिए, एंकर कहिए, डायरेक्टर कहिए, पोइट कहिए, ऑथर कहिए, फिल्म मेकर कहिए, यानी शायद ही कोई विधा होगी जो रह गई होगी जिसमें इन ये शामिल ना हुई हो। जी हम बात कर रहे हैं रमा पांडे जी की। रमा जी बहुत स्वागत है आपका। बेहद दिलचस्प होता है, आप किसी एक फील्ड में जाते हो और उस फील्ड में ऊपर तक आते हो, नाम कमाते हो, लेकिन इतने सारे क्षेत्र में अपनी पैठ बनाना ये आसान नहीं होता। 50 साल के करियर को जब आप देखते हैं अब तक के और जो कि निरंतर चल रहा है, खुद को कहाँ पाती हैं? खुद को मैं, जैसा तुमने कहा, हर जगह पाती हूँ। इसको बिखरा हुआ व्यक्तित्व नहीं माना जाएगा, एक ही विधा के बहुत सारे रंग हैं ये। कर हम और तुम एक ही काम रहे हैं, संवाद संप्रेषण। सबसे पहले मैं अपने देखने वालों को बहुत प्यार भरा नमस्कार करना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी बदौलत हूँ दोस्तों। मैं ही ना होती अगर आप लोगों का इतना प्यार ना मिला होता। तो जो तुमने प्रश्न किया उसका मैं एक एक शब्द का उत्तर देती हूँ कि जो भी विधाएँ हैं, चाहे मैं वो मोन एक्टिंग कर रही थी, चाहे मैं थिएटर कर रही थी, चाहे मैं रेडियो में थी, या मैंने फिर टेलीविज़न ज्वाइन किया, या फिर मैंने फिल्म ज्वाइन किया, या फिर मैंने थिएटर पे थिएटर किया, या मैंने लिखा, मैं कर क्या रही थी? मैं लोगों से बात कर रही थी। मैं एक ही, या मैं लेक्चरर भी थी महारानी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तब भी मैं एक ही काम करती थी, अपनी छात्राओं से बात करती। संजीवर्स में मैंने बाकायदे टीचर पढ़ाया, तब भी मैं एक काम करती थी, मैं अपने उन नए दोस्तों, नौजवान दोस्तों से बात करती थी। तो कम्युनिकेशन, कहने सुनने की कला, ये मेरे मन में शायद बचपन से ही थी और वही मेरा भविष्य तय करती रही कि अब तू क्या करेगी रमा, अब तू क्या करेगी। तो बस वो अब तू क्या करेगी, पर कुछ करेगी रमा, ये दिमाग को पता था और वो बराबर मैंने किया और करके मुझे अजहद खुशी का, भरपूर जीवन का एहसास है। बहुत अच्छा लगा कि एक छोटे शहर की एक मध्यम वर्गीय लड़की, एक बड़े क्लोज एटमॉस्फेयर की लड़की बाहर निकलकर इतना कर पाई, दुनिया में नाम कमा पाई, दुनिया के और चैनल्स पर काम कर पाई और रेडियो स्टेशन पर काम कर पाई। जय सरस्वती माता, जय सुनने, जय देखने वालों की। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट आपने काम की शुरुआत की, जर्नलिज्म में आई, पत्रकारिता में आप आई, रेडियो में काम किया, दूरदर्शन में काम किया। आज के दौर की बात करें, एक वो दौर भी आपने देखा, आज भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या अंतर आप पाती हैं वो पेन पेपर वाली पत्रकारिता में और आज के मोबाइल जर्नलिज्म? जमीन आसमान का वह यूँ है कि कहते हुए मुझे आप बिल्कुल ये ना माने कि आपने कोई अपने उम्र के हिसाब से बात की, क्योंकि मेरे जहन में उम्र एक नंबर है और मेरे में वो नंबर एक पर ही अटका हुआ, मैं एक ही साल की हूँ, उसके आगे के नंबर आपकी मर्जी है, जो लगाते रहो। तो वो बच्चा हर एक के दिल में होता है। तो उस पत्रकारिता की बात करूँ, वो बड़ी जिम्मेदार पत्रकारिता थी। जो आप लिखते थे उस लिखने के समय और उसको पढ़ने के समय एक जिम्मेदारी थी आपके मन में, जबकि ये आज की डिजिटल पत्रकारिता में जो हम बराबर, जो कि मैं इसका हिस्सा हूँ, तब मैं ये कह रही हूँ, ये अति गति को आपने प्रगति माना और जो आपकी अवनति हो गई। इसलिए हमारे ज़माने में पत्रकारिता के आयाम अलग थे। लिखने वाला अगर लिखता था, उसका एडिटोरियल जजमेंट करने वाला एडिटर भी उतना स्ट्रांग होता था। लेकिन टेलीविज़न में भी, जिसकी मैं बाकायदा न्यूज़ रीडर रही हूँ, इस बात का पालन होता था। BBC लंदन में जहाँ मैंने बाकायदा 8 साल काम किया, वहाँ हम ही एंकर थे, हम ही राइटर थे, हम ही, लेकिन एक अनसीन एडिटर हमारे सिर पर होता था जो आपको पहले फीड करता था कि न्यूज़ इसमें से निकलेगी। तो हमारे पास ऑलरेडी वो आती थी। कहने का मकसद ये है कि जो अब पत्रकारिता बहुत ज़्यादा तड़क भड़क की और बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने वाली उबाऊ पत्रकारिता हो गई है, चित्कारी पत्रकारिता हो गई, चीखने वाली हो गई, अब उसमें से वो गंभीरता, वो रस, वो जिम्मेदारी निकल गई जिसके आप वाहक हैं। बहुत सारी उपलब्धियां आपकी हैं, भारतीय उपग्रह कार्यक्रम साइट की बात करें, निर्माता निदेशक पहली आप महिला रहीं, BBC की बात करते हैं, BBC लंदन वहां पहुंचने वाली आपका नाम आता है, रेडियो की हम बात करते हैं आपका नाम आता है, ये
जब, और सबसे अहम बात, आपको हॉलैंड में स्कॉलरशिप भी मिली थी जो कि उसमें भी पहली महिला भारत से, ये उपलब्धियां जब मिल रही थी उस वक्त, जबकि ये बहुत रेयर होता था खासतौर से महिलाओं का आगे आना, क्या कुछ मुश्किलों को भी आपने फेस किया या आपको लगा कि कदम दर कदम रास्ते बनते गए और बढ़ते गए? वो तो है ना कि हम में कोई बात तो होगी, सबको क्यों ना मिली वो, वो जो हम में कोई बात, वो जो एक चावल का दाना है, मैं कुछ अपने आप में रिवोल्यूशनरी भी थी और कुछ आवास का मुझ पर मेहरबानी थी माँ सरस्वती की। तो ये बात सच है कि बीबीसी लंदन जाने वाली मैं पहली इंडियन प्रोड्यूसर थी, महिला प्रोड्यूसर, मेरे बाद अचला वगैरह आई, और हॉलैंड में स्कॉलरशिप पाने वाली मैं भारत की इकलौती महिला हूँ। और ये सब करने के लिए जो खूबियाँ होनी चाहिए धरातल के तौर पे, वो मुझ में थी, मानोगी नहीं तुम, मैंने अपने जीवन में, क्योंकि मैं बहुत बतौकड़ी थी जो तुम्हें अभी भी लग रहा होगा, तो मेरी जो हिंदी की टीचर थी जो ईश्वर की दया से अभी जिंदा हैं, द्रौपदी भटनागर, उनको ये लगा कि मेरा इलाज एक ही है कि मुझे माइक के सामने खड़ा कर दिया जाए। सिक्स क्लास की सैटरडे की माइक का जो मैंने एक बार रसा साधन किया, मैंने माइक पर खटखट की, मुझे उसकी वो आवाज़ इतनी अच्छी लगी, जीवन में मैंने एमए फाइनल तक आई नेवर लॉस्ट अ डिबेट, नेवर इवन अ सेकंड, चाहे वो नेशनल थी, चाहे वो ग्लोबल थी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट थी, चाहे वो स्कूली डिबेट थी। तो एक संवाद का मुझ में था नशा, एक था पैशन, जिसको आप कहते ना जुनून, एक जुनून था लोगों पे अपना प्रभाव डालने का। सच कहूँगी, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मालूम पड़े कि रमा आई है, मैं सच कहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं जब देर से जाती हूँ थिएटर में तो मैं घुसूँ तो लोगों को मालूम पड़े रमा आई है। ये कि रमा आई है का जुनून, ये कन्फेस करने की ताकत भी रमा में ही है, मुझे इसी का नशा है। बिल्कुल, और ये सब इंटरेस्ट खुद में आए क्योंकि स्कूल टाइम की बात है, थिएटर भी आप करने लगे, डिबेटर जैसा कि आपने कहा कि उसके लिए जब दूसरों से भी जिक्र होता है तो कहते हैं बहुत अच्छा डिबेट करते थे, जबकि बहुत कम उम्र थी उस वक्त। परिवार का कितना अहम रोल रहता है किसी भी लड़की की तरह के लिए, खासतौर से उस दौर की हम बात करें? बहुत, मेरी माँ की हम 7 लड़कियाँ थी और मेरी माँ को लोग ताना देते थे, पाल पाल होंगी तुझको काल, तब तक तो मेरे ये भाई जिनका दुनिया में नाम है पीयूष पांडे और प्रसून पांडे हुए नहीं थे, वो सबसे बात के थे। और माँ को इच्छा थी कि जो मैंने नहीं कर पाया वो मेरी बच्चियाँ कर लें, तो उन्होंने हमको सितार सिखवाया, हम यहाँ के कला संस्थान में बाकायदा सितार सीखे। मेरी माँ ने अनुमति दी पिता से लड़ लड़ के कि अगर बच्चों की प्रिंसिपल, बच्चों की हेडमिस्ट्रेस कह रही है कि जाएंगे, तो हम NCC कैंप्स में जाते थे, रेड क्रॉस कैंप्स में जाते थे, उनमें पार्टिसिपेट करते थे। मोनो एक्टिंग मैंने कभी नहीं हारी, औरों की नकल करना मैंने सीखा, तांगे वाले की आवाज़, कुत्ते की आवाज़, ऑल दैट, मज़ा आने लग गया, परकाया प्रवेश शुरू हो गया मेरा, मैं अपने इससे इतर दूसरे के शरीर में घुसकर अपने आप को और ज़िंदा महसूस करती थी। थिएटर क्या है, आप परकाया प्रवेश करते हो, आप फिल्म क्या बनाते हो, परकाया प्रवेश करते। मुझे मज़ा आया कि एक ही जीवन में 1000 जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, है ना? बिल्कुल, और थिएटर में काम करना, अपना नाम बनाना एक बात है, लेकिन आपकी अगर बात करें, थिएटर से आपने बहुत ऐसे लोगों को जोड़ा जो कलाकार तो थे लेकिन उन्हें मंच नहीं मिला, और अलग अलग विधा के लोगों को आपने जोड़ा ताकि उन्हें आप मंच मुहैया करा सके, ये बात जहन में कैसे आई कि हम तो कर ही रहे लेकिन दूसरों को जोड़ा जाए? वो एक जिम्मेदारी, जब लड़की ब्याह की जाती है तो एक रस्म तुमने देखी होगी कि वो चावल उसके गोद में होते हैं वो पीछे फेंकती है, तो कहती माँ तेरा कर्ज उतारा है। ये मैंने कर्ज़ उतारा जयपुर थिएटर का, रविंद्र रंगमंच का, क्योंकि जो मुश्किल हमको पड़ती थी, क्योंकि हम दिल्ली में नहीं थे, तो हमको मौका कौन देगा, तो मुझे लगा कि आज मैं इस लायक हूँ कि मैं मौका दे सकती हूँ। तो मानोगी नहीं, मैं यहाँ से कलाकार अपने हर प्ले के लिए लेके जाती हूँ, गुरुकुल की तरह दोस्तों मैं अपने घर में रखती हूँ, और 10-15 दिन वो मेरे घर में रहते हैं और फिर वहाँ से प्ले करके फिर लौट के जयपुर आते। और बाकी जयपुर अलावा इसके तो तुम्हें पता ही है कि मेरी फाउंडेशन है जिसमें मैं ओरल आर्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए मैंने रमा थिएटर नाट्य विद्या रत्नम खोली है, तो मैं फोक आर्टिस्टों को भी बहुत प्रशय देती हूँ, उनको अपने साथ काम कराती हूँ, लेकिन उनकी विधा को मैं चेंज नहीं करती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मूल रूप से जो विधा है वो सुरक्षित रहे, पर उनको
उनकी कला जो है वो मरे नहीं, इसलिए अर्बन रंग में उनको जिंदा रखती हूँ। तो और ये सब करते समय मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि ये जो रंग प्रत्यंग है ये हमारा गांव से शहर तक की यात्रा बनी रहे, शहर से गांव तक भी। समाज से मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ, ये मेरा बचपन से, मैं नौकरों के साथ खाना खाती थी, मैं मजदूरों के साथ नाचा करती थी, मैं गेहूँ फटकने वालियों के साथ गाने सीखती थी, बहुत सारे गाने मैंने उनसे सीखे। तो मुझे कभी मेरे मन में वर्ग भेद रहे ही नहीं, मुझे ये लगा कि लोग हैं और लोग अच्छे हैं, और मुझे लोग हमेशा ही अच्छे लगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई भाई। इसलिए आप कहते हैं कि नफरत की तो जगह नहीं, प्यार बांटते चलो। बस मैं भी अपने हर प्रोग्राम में एक ही बात सिखाती हूँ, मोहब्बतों के लिए समय कम पड़ गया, कोविड में लोग यूं चले गए, नफरतों के लिए कहाँ से समय पाते हो। और कोई सिखाता तो मत सीखो, क्योंकि रहना इसी दुनिया में है, इन्हीं लोगों के साथ है। वो हमसे नफरत करें तो उनसे नफरत करो, वेयर इज़ द टाइम यार, क्रिएट समथिंग। ये मैं ये कहती हूँ कि ना ही ऐसो जन्म बारम्बार, कहाँ जाने कछु पुण्य प्रकटे लीनो मानस अवतार। मनुष्य का अवतार बार बार नहीं आता, इस जन्म को इस बातों में बिगाड़ने में रखा क्या है, मज़ा क्या है, मज़ा तो ले लो यार, ये तो देखो कि तुमने जन्म पाया, ये क्या इसी में ये दे दो वो दो। मेरा ख्याल है भगवान लोग भी हम लोगों से तंग आए, वो कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं पैदा किया था हमने जैसे तुम लोग निकृष्ट निकले। बहुत ही दिलचस्प आपसे बात करना रमा जी, और सबसे अहम बात है कि उस दौर की पत्रकारिता की बात करें, उसके बाद से अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, या आज के हम डिजिटल मीडिया की बात करें, हर जगह आपकी सक्रियता है। बात हम इस पर भी आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है, रमा पांडे जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रमा जी एक बार फिर आपका बहुत स्वागत। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे डिजिटल मीडिया की, हम इसमें भी आपकी मौजूदगी उतनी ही है जितनी आज के दौर के नए युवा जो आते हैं उनकी रहती है। ख़ासतौर से अगर बात करें आई लव लद्दाख या जाने अपना देश, तो सबसे अहम बात है कि जो जाने अपना देश था, संस्कृति देश भर की क्या है, क्या खान पान सब कुछ, उससे आपने रूबरू कराया लोगों को। और बड़ी बात होती है कि 250 एपिसोड बनाना और कंटिन्यू सफ़र जारी रखना, कैसे मुमकिन हो पाया ये बात? ये कि मैं नेपोलियन हूँ हिंदुस्तान की, नामुमकिन कुछ मेरे लिए है ही नहीं, शब्द मुमकिन ही मैंने रखा। एक महिला के लिए इतनी यात्रा करना सच में बड़ी बात है। अब तो जाती हैं महिला प्रोड्यूसर्स, पर जब से मैंने काम शुरू किया तब जाती ही नहीं थी। अब आप अकेली हैं और आपकी 15 की टीम में सिर्फ मर्द लोग हैं, और आप जाती हैं 15 दिन तक आप शूट करती हैं, और तब तक आपकी शादी भी हो सकती है। तो वो मैं अपने श्रीमान जी को भी पूरा कहूँगी, सलाम करूँगी कि उन्होंने आईएएस ऑफिसर हैं वो मिसेस नजरुल साकिब, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया कि भाई जो तुम हो तो वो तुम हो, वो बदल तो कोई सकता नहीं, इसलिए जाओ जो कर रही हो। तो उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ जो अपन आए, क्यों मैंने विरासत चुनी। मैं जब रही इंग्लैंड, बाकायदा 7-8 साल की नौकरी थी वहाँ, मैंने देखा अपनी विरासतों को वो लोग कितना संभाल के रखते हैं। हमको अपनी विरासतों का ज्ञान ही नहीं। ऐसा एमए मैंने किया हिस्ट्री में, टॉप किया मैंने आर्ट एंड आर्कियोलॉजी में, न्यूमिस्मेटिक में, तो मैं यूनिवर्सिटी की टॉपर थी इस सब्जेक्ट की। फिर इस सब्जेक्ट को कैसे काम में लाओ, फिर मैंने सोचा कि जब मैं डॉक्यूमेंट्री विधा में ही ट्रेंड होकर आई हूँ तो मैं इसी को क्यों ना देखूँ। तो 250 एपिसोड तो कब के छोड़ गए बाबू, उसके बाद 350 एपिसोड पे खड़ी हूँ मैं। अच्छा, इसी में बराबर चल रहा है जाने अपना देश, दूरदर्शन के हर स्टेट से चला वो, अब ये चल रहा है यूट्यूब पर, और वो मैंने बंद नहीं किया, उसमें बराबर ये चल रहा है। जो देखना चाहे देखने वालों, जाने अपना देश डालो और देखो आपकी संस्कृति कहाँ कहाँ, ऐसी ऐसी जगह मैंने खोज डाली जिनका पता नेशनल आर्कियोलॉजी को भी नहीं था, जिन्हें मैंने बताया इमारतों को, ऐसी ऐसी इमारतें मैंने खुद ने बचाई, स्पेशली गुलमर्ग का चर्च। तो मेरा प्यार है भारत की संस्कृति, मेरा विश्वास है भारत की संस्कृति,
मैं ये मानती हूँ कि समाज तभी जुड़ा रहेगा जब संस्कृति बचा के रखोगे। और इसमें मैं धर्म पूजा की बात नहीं कर रही, मैं इसमें आपके सांस्कृतिक विरासतों की बात कर रही हूँ, चाहे वो मुसलमान इस्लामी विरासत है, चाहे ईसाई विरासत है, चाहे हिंदू विरासत है, चाहे सिख विरासत है, वो विरासत हिंदुस्तान की साझी विरासत है, वो सबकी विरासत है, हमारी तुम्हारी विरासत है। कहने का मकसद, इसने मुझे इस पैशन ने आगे बढ़ाया। तो कैमरा मेरे हाथ में था, तब तक मैंने लिखना नहीं शुरू किया था, तो ये कहानी सारी कैमरे पे लिख गई। तुम पूछती ना कि सारे में क्यों घुस गई या कैसे घुस गई, इसलिए घुस गई तब मैं कैमरे से लिखती थी। एक डायरेक्टर कैमरे से लिखता है, कैमरामैन का बहुत बड़ा योगदान होता है, वो समझता है मेरी भाषा, हर डायरेक्टर की भाषा कैमरा में समझता है, फिर वो अपने शॉट से लिखता है, फिर मैं अपने भाव से लिखती हूँ, फिर मेरा जो रिकॉर्डिस्ट है वो मेरी साउंड से लिखता है, तो कथाएं लिखती चली गई। और आज हम तकरीबन 1500 कहानियों पर बैठे हैं, ऐसी छोटी छोटी सात सात आठ आठ मिनट की भारत की परंपराएं, अलग अलग, शादी से लेके खाने से लेके इमारत से लेके पहनने से लेकर के एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, रिलीजन, आर्किटेक्चर, यू नेम इट, अनजाने अपना देश है। तो इसके जो टाइटल सॉन्ग है वो यही है, जाने जाने अपना देश, कम देखी कम जानी बातें, अनदेखी अनजानी बातें, कैसे लोग कैसा वेश, जाने अपना देश। बिल्कुल, और कैमरे से भी आपने लिखा तो दूसरा कागज़ पर भी लिखा। एज एन ऑथर अगर हम रमा पांडे को समझना चाहें, पसंदीदा सब्जेक्ट क्या रहा और क्यों? मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट हमेशा औरतें रहीं और प्रेम रहा, और औरतों के विद्रूप के जो सर हैं वो भी, जिन मैंने मुस्लिम औरतों पर दो किताबें ली, पर जो मेरा नया काम है वो है ट्रांसजेंडर पे, तो मुझे वो सब्जेक्ट इंटरेस्ट करते हैं, वो चीज़ें मुझे रुचिकर लगती हैं जिस पर समाज का ध्यान जाना चाहिए। कभी भी मैंने कल्पना के पटल पर ऐसा कुछ नहीं लिखा जो समाज से जुड़ा नहीं हो। मैंने कुछ कहा वो समाज से जुड़ा, मैंने कुछ गाया वो समाज से जुड़ा, मैंने कुछ थिएटर किया समाज से जुड़ा, मैंने फिल्में बनाई, सीरियल्स बनाए, ऐसे ऐसे चैलेंजेस मैंने लिए जो तुम कहती हो पहला क्या पहले। हाँ, मैं राजस्थान की पहली महिला मीडिया कर्मी हूँ जिसने सब कुछ पहले किया, मुझसे पहले ना कोई हुआ था न मेरे बाद वैसा हुआ जैसा मैं कर गई या कर ली। ये अहम नहीं है, ये अहंकार नहीं, ये सत्य का बयान है कि एक लड़ाई जो एक लड़की ने लड़ी वो मुश्किल लड़ाई थी, वो आसान लड़ाई नहीं थी, उसको लड़ना मुश्किल था, इसीलिए मैं वो सब करती गई जिससे ये विषय उठते जाएं और इन विषयों पर लोगों की निगाह आए। जो फर्स्ट मैं अपनी स्टडीज़ में नहीं आई वो फर्स्ट मैंने अपने जीवन की तमाम और विषयों में लाए, और मुझे ये लगा पहल करो तो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, बैठ करके लोगों के करने का इंतज़ार करोगी तो रास्ता नहीं निकलेगा। तो पहल करने की जो पहल मेरे अंदर ऊपर वाले ने घुसा दी उससे मैं बहुत पहली हो गई। सही है। फिल्म मेकिंग को आपने चुना, फिल्म मेकिंग आसान नहीं होता है, इससे पहले टीवी प्रोग्रामिंग भी आपने की, दोनों में अंतर क्या पाती हैं? फिल्म मेकिंग को चुना क्यों आपने, आपको नहीं लगा कि मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, फिल्म मेकिंग बहुत अनुभव का काम है और उसको बहुत गहराई से 6 साल तक जाना चाहिए। जैसा जिसके मैंने हॉलैंड में सीखी और सीखने के बाद भी मुझे 3 साल लगे उसको अपने काम में उतारने में। वो जो फिल्म मेकिंग है, वैसे इस कैमरे के बारे में पूरा जाने के बगैर मैं सिर्फ हवा में शॉट नहीं बोल सकती हूँ, तो जानना ज़रूरी है विधा को। आप ऐसे ही डायरेक्टर नहीं हो जाते हो, आप ऐसे ही प्रोड्यूसर नहीं हो जाते हो। जो लोग आज पैसा लेके बैठ जाते हैं, कहते हैं हम प्रोड्यूसर हो गए, नो, अनलेस यू नो द डायरेक्टर, अनलेस यू नो द राइटर, अनलेस यू नो द कैमरा वर्क, अनलेस यू नो द साउंड, यू आर नो प्रोड्यूसर। पैसा से क्या होता है? पैसा तो आलू की खेती में भी हो जाएगा, पैसा तो आप मंडी में कुछ भी बेच दीजिए, पैसा से क्या? भूसा नहीं होना चाहिए, पैसा हो तो ठीक है, भूसा नहीं होना चाहिए। रमा जी, आपसे जितनी बातें की जाए वक्त उतना ही कम पड़ रहा है, लेकिन फिर भी एक अहम सवाल ज़रूर है, आप जयपुर से हैं, जयपुर की संस्कृति की बात करें, जयपुर के स्वाद की बात करें, जयपुर के पहनावे की बात करें, पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, आप इसे कह सकती कि क्या पसंद है आपको? मुझे मन तो सारा जयपुरी पसंद है। मन तो कहीं भी दे दो, मैंने राजभवन ले जाओ तो भी खुश, और मैंने झोपड़ी में ले जाओ तो भी खुश। मुझे पसंद है जयपुर की
मैं मीणा संस्कृति को बहुत मैंने पास से देखा, गुजरों मीणों को, मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे उनका पहनावा, उनके चांदी के गहने, मुझे दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद है, पर उससे भी ज़्यादा बेजड़ की रोटी पसंद है, घारती चटनी के साथ। वो मैंने बोलते ना कि वो चटनी बाटे तो गोरी पुदीना की बाट ना, तो खालू लो कोरी तो मैं वो वाली हूँ। मुझे जयपुर की गलियाँ पसंद है बहुत, जयपुर का राजभवन बहुत पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अपना स्कूल बहुत पसंद है। एक बात तो है कि पिछड़े हम थे, लेकिन जयपुर में महारानी साहिबा की वजह से, गायत्री देवी जी की वजह से, उमारा साहब की वजह से शिक्षा की एक क्रांति आई, और उस क्रांति में बहुत लोग पढ़े और उसमें हम भी पढ़ के निकल गए। रमा जी, सब विधाओं की बात कर ली, लेकिन अब क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, जाते जाते आपकी आवाज़ में कुछ सुनना जरूर चाहेंगे, कुछ गुनगुना दीजिए, राजस्थानी हो तो अच्छा, या जो भी मन हो आपका, जो मुँह पे आ जाए इस समय, जो याद आ जाए। बाजे छे नौबत बाजा रे होडगी पुरी का राजा, बाजे छे नौबत बाजा रे होडगी पुरी का राजा, रेडगी पुरी का राजा, रेडगी पुरी का राजा, थार बाजे नौबत बाजा रे होडगी पुरी का राजा, आंध्याने आंध्या ने आंखा दी जोरे होडगी पुरी का राजा, आंध्या ने आंखा दी जोरे होडगी पुरी का राजा, रेडगी पुरी का राजा, रेडगी पुरी का राजा, थारे बाजे नौबत बाजा रे होडगी पुरी का राजा। हे बहुत खूब, बहुत खूब। रमा पांडी जी, भी बहुत सारी ऐसी बातें ऐसा लगता है आपसे करते जाएं, लेकिन अभी वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में आने के लिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, फर्स्ट इंडिया का शुक्रिया, जगदीश जी का शुक्रिया, देखने वालों सबसे ज़्यादा तुम्हारा शुक्रिया, तुम ना देखो तो हम कुछ भी ना हो। बहुत प्यार, लव यू ऑल, एंड जयपुर आई लव यू ऑलवेज, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फ्लोर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच मैम। तो रमा पांडे जी से बातचीत हुई और बहुत बेहतरीन है। एक मैसेज ज़रूर है कि अगर लड़कियां चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, और किसी एक फील्ड को क्यों चुनना, जहां जहां जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, जो करना चाहें दिल खोल कर आप करिए, कोई रोकता है आपको, पाबंद करता है, तो वो आपका पैशन है, आप कैसे आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।